यस एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम संजय गांधी नेशनल पार्क आए हैं साइकिलिंग करने के लिए। अगर आप साइकिल विदाउट साइकिल आ रहे हो यहाँ पर, तो आप ना पहले इधर से 80 रुपीज़ 2 आवर्स का साइकिल मिलता है, वो ले लो। वो साइकिल क्वालिटी तो अच्छा है, और लेकिन टाइमिंग मेरी बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना बारिश के बाद आए हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। इन अल्ले को देखो, वाड़ी। देखो ये साइकिल हमने लिया है, ये हमने तो मतलब हमारे यहाँ से भाड़े पे लिया है, बट आप 15 के ले सकते हो। यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है बेसिकली। सीधा चल, सीधा हम अभी कनेरी जाएंगे। कनेरी के अराउंड कुछ 7 किलोमीटर्स के लिए, 7 किलोमीटर्स तक है। तो अभी हम कितना क्रॉस किए हमें कुछ आइडिया नहीं है, बस हम निकल गए हैं। ओके, बाकी व्यू तो बहुत मस्त है यार, आके अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी हम सीधा जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ना बोर्डिंग्स और होल्डिंग्स मिल जाएंगे रास्ता दिखाने के लिए, डायरेक्शंस दिखाने के लिए, तो वो आप देख के जा सकते हो। कुछ इतना हार्डर नहीं है भाई, बस जाने का है, और पता नहीं चल रहा है कैसे जाना है। बस यहाँ पर आपको होल्डिंग्स मिल जाएंगे, आप वो देख के जा सकते हो। मैं तो पहली बार ऐसा लग रहा है भाई, मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक सो मैं फर्स्ट या सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पर, और फर्स्ट टाइम मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी यहाँ पे ना मज़ा बहुत आएगा, सुकून है यहाँ पर। हाँ है ना, और पैसा ज़्यादा है उसका। ओके, भाई अगर अभी हम लोग मुंबई के ना एकदम बीचों बीच खड़े हैं, पता नहीं चल रहा है, बट बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितना मैंने सोचा था, बट है भाई, गर्मी फील होती है, ह्यूमिडिटी फील होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ होल्डिंग्स कैसे रहेंगे। ये देखो, ये सामने जो होल्डिंग्स दिख रहा है आपको, एकदम ऐसे आपको डायरेक्शंस बताएंगे तो वो कनेरी गुफा जाना है कि नहीं जाना है। ओके, कनेरी केव मतलब। और मज़ा आ रहा है साइकिलिंग में, वो 5 किलोमीटर और है, 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हम लोग। अभी बस जा रहे हैं बेसिकली। मेरे पास, मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, 1 हैंडेड शूट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ और भी नहीं है, तो अभी तो मैं इसमें काम चला रहा हूँ। ओके, सीधा जाना है गाइस, सीधा जाना है, कोई राइट टर्न लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, सीधा जाना है आपको। बोल। देखो ये हमारा राइडर, और इसका साइकिल देखो और इसकी हाइट देखो। ओके, ये मतलब थोड़ा अलग है, इसको मैंने बोला था दूसरा साइकिल ले ले, बट सुनने के लिए रेडी नहीं था, बोलता है मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी उसमें ना थोड़ा हवा का प्रॉब्लम है यार। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर खुद की साइकिल है देन इट्स ओके, दूसरे की है तो भाई मत ही लो। अगर फ्रेंड रिलेटिव में किसी की मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है, चेक कर लेना। भाड़े के साइकिल का पता नहीं भाई क्या होता है, ऐसा होता है कब क्या कैसे चले, वी डोंट हैव एनी आइडियाज। और बाय द वे, अगर आप लोगों को साइकिल से नहीं जाना है, एक्टिवा गाड़ी कुछ नहीं लाना है, तो आप ऐसे बसेस से जा सकते हो। यहाँ पर 188 नंबर की बस आती है, अंदर से आपको मिल जाएगी, वो आपको लेके जाएगी, काफ़ी सुपर फास्ट है यार, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। और भाई साइकिल चला रहे हो ना तो ध्यान से चलाना, मेरा मानना कि सपोर्टर विपोर्टर पहन के आके चलाना, क्योंकि यहाँ पे खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, अगर एक आध झटका भी लग गया ना तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा भाई। ये देखो, तो प्रिकॉशंस तो रखना ज़रूरी है। अभी सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे जा रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्त, ये दोस्त कैसा लग रहा है, ये ले व्लॉग कर, ये ले व्लॉग कर, कर कर भाई, रुक जा, थकान हो गई है। अभी हमने स्टॉप लिया है भाई, ऐसे आदत नहीं है ना साइकिल चलाने की, थक गया है यार इंसान, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। साला गलती ये कि हम लोग ने पानी भी नहीं लाया,
सबसे बड़ी गलती हमने ये किया है, ऐसे ही उठ के पहुँच गए चुप। सो हम उठे हैं और डायरेक्ट पहुँच गए भाई ब्रश व्रश करके, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि दो दो बार नहाने का नहीं होगा, जाके सीधा नहाएंगे। वैसे मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, मज़ा अभी होगा जब रिटर्न में से उतरेंगे तब अलग तो है। अभी ये देखो भाई पूरा ग्रीनरी है, मैंने आपको जैसे बताया था अभी मुंबई के सेंटर में थे हम लोग, अभी थोड़ा क्रॉस किए, पता भी नहीं चलता होगा कि आप कहाँ पर हो क्या कर रहे हो, बस 1 किलोमीटर कंप्लीट भी कर लिया। एक किलोमीटर नहीं, दो क्रॉस हो गया, दो क्रॉस हो गया, हाँ 5 किलोमीटर बाकी। ये पूरे यहाँ पे ना घर है गाइस, ये है ना, ये यहाँ पर पूरा घर है किसी का, कोई यहाँ पर रहता है। ओके, और ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट आपको लेके जाएगा बाहर, वहाँ से अंदर आए अभी, और ये सीधा कनेरी केस के तरफ। तो अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं एंड देन आपको मिलते हैं, बाय। ये देखो गाइस, यस, इधर का ना सबसे मज़ेदार चीज़ यही है, यहाँ आपको आपको ना एनिमल देखने के लिए मिलते हैं। मैं थोड़ा आगे जा के आता हूँ, मैं थोड़ा अंदर जाके आता हूँ फिर देखते हैं, भागने नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है यार। अरे भाई हम लोग को देखते रहिए, वो तो हम लोग को देख के भाग रहे थे। चलो कोई ना, अभी हम नींबू पानी पी रहे हैं, उल्टी कर दिया था आंटी, यहाँ पर नींबू पानी देते हैं। वैसे यहाँ पे 3-3 स्टॉल है, 1, 2, 3, इनका नींबू पानी का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, पानी का बॉटल भी यहाँ पे मिलता है, अंदर ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाती है। अच्छा, और छोटू, और छोटू कैसा है, हाय कर, हाय कर, शर्मा गया बेचारा। हमने पानी ले लिया है और ये हमारा नींबू पानी, चेस, सुकून मिल रहा है भाई। भाई हमने ना एक पानी का बॉटल लिया है जैसे कि आपने पहले देखा होगा, और वो बॉटल ना दो बार हम दोनों से गिर गया है। अभी स्ट्रगल देखो भाई का, दिखाता हूँ, स्ट्राइक, कैसा लग रहा है हाथ में बॉटल पकड़ के, ठंडा ठंडा। थोड़ा पैदल चलेंगे, और एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जितना भी जगह है ना, ये लोकेशन वो जो मैं आपको होल्डिंग दिखाया था उधर से लेके इतने दूर तक ना अंदर मत चले जाना कोई, क्योंकि यहाँ पर ना सांप है और काफ़ी सारे जीव जंतु हैं यहाँ पर। कब किसका भोजन बन जाओ पता, कब किसका भोजन बन जाओ भाई पता ना लगे। ओके, अगले दिन खबर मिली ये लड़का नेशनल पार्क में किसी का, शुभ शुभ बोल भाई, क्या शुभ शुभ बोल, जो है वो है, जिस पे किस्मत लिखा उतना जिएगा ना, अब क्या करेगा, तू कब मर रहा है भाई, अभी और जिंदा, ये भी लेके चलना, अरे खराब ब्लॉग शूट करता हूँ लेके चल। सस्ता अजय देवगन, सस्ता अजय देवगन भाई। यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छा है कि अगर आपको ना ऐसे नेचर का मज़ा लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। ये तो ना क्या क्या आते हैं, हाँ गाड़ी वीड़ी आता है ना तो डर लगता है यार मेरे को, पता नहीं क्यों। देखो भाई इतने यहाँ पर बहुत लोग हैं यार साइकिलिंग के लिए, निकल निकल, आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से। ये पूरा लोकेशन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये डेंजर है, बट स्टिल ओके, देखा
थोड़ा ध्यान से चलाना, बाकी सब ठीक है। अभी इधर से पूरा सीधा जाना है, तो अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स और है, इधर से सीधा जाना है। ओके, अभी हम ये साइड से आए थे और हमको ये साइड जाना है। साइकिल चलाना भाई खाने का काम नहीं है। टाइम फॉर ब्रेक गाइस, लाल काली हम अभी बैठे हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अब मुझे समझ में आया लोग बाइक राइडिंग या साइकिल राइडिंग क्यों करते हैं, क्यों कार से कहीं नहीं जाते जल्दी। मुझे आजा भाई, देखो भाई वो बंदा मेरे को बोल रहा है व्लॉग में लेने के लिए, आजा आजा आजा। शर्मा मत आजा। आपका नाम क्या है? मिहिर। कैसे भाई? बढ़िया भाई, क्या हाल है? मजेदार। चैनल का नाम क्या आपके? व्लॉग बाय ओमकार। अरे और भाई कैसे? भाई हमें दोस्त मिल गया जो अभी, ये आप लोगों का ग्रुप है पूरा? चलो ठीक है, चलो आते हैं हम लोग भी साथ में। ये बगट लेके चल, मैं आ रहा हूँ, बात करते करते मैं आ रहा हूँ। एक सेकेंड भाई, यहाँ पे लोग गांधी वाली से भी आ रहे भाई साइकिलिंग के लिए नेशनल पार्क में, देख रहे हो डेडिकेशन गाइस। अभी देखते हैं अभी और कितना दूर है, पता नहीं, थक गए, पानी का बॉटल भी ख़त्म हो गया, अब लेट्स सी देखते कितना दूर है। और ये मेरा व्लॉगर पीछे छूट जाता है हर बार, उसकी साइकिल बेकार है साली, आगे का मडगाट घटगट घट 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 आवाज़ करता है। पता नहीं पर पीछे रह गए दोस्त। होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या नाम है आप लोग का? मानसी। और ये रहा हमारा ब्लॉगर, एकदम पीछे रहता है हर बार। ये पानी भर लेना ठीक है, जा रहे अभी, और पता नहीं कितना दूर है, बट ट्राई कि कंप्लीट हो सके, थक गया भाई। मैक्स टू मैक्स अगर तुम लोग इधर साइकिलिंग करने आ रहे हो तो मिनिमम 600 to 800 लाओ, बेस्ट है। नेशनल पार्क की साइकिल तुम लोग मिल जाएगी 80 rupees में, डिपॉजिट 300 है तो ले सकते हो। और खाने पीने के लिए ज़्यादा है थोड़ा, पानी का बॉटल का 30 rupees है और नींबू पानी 20 rupees भाई, वो भी 10 rupees का गिलास 20 rupees में मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा पैसे लेके आओ। और कैश लाना, जीपे मत करना क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत यहाँ पे। लेट्स सी देखते कितने बजे, सुबह का 8 बजे उठे, 11:30 हुआ, 1 घंटा हुआ है अभी तक। ट्राई करते और आगे जाने का, और ऊपर शूट करेंगे, लेट्स सी। और है अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, अभी हमको कितना जाने का है, कुछ 500 या 600 मीटर्स और है, ज़्यादा नहीं है कनेरी केव के लिए, तो हम अभी उधर ही जा रहे हैं। तो वैसे बट हमें बीच में कुछ फ्रेंड्स मिल गए जिनसे हमने आपको मिलाया, दोस्ती। पागल है अरे, डर गया क्या? डर नहीं गया, बैलेंस बिगड़ गया था। मतलब अगर आप ऐसे सिंगल या डुओ अगर आप निकलते हो ना कभी, तो आपको ना कोई तो मिल ही जाएगा कंपनी देने के लिए। तो मेरे को तो भाई मिल गए, अच्छे दोस्त थे। ओके गाइस, कमेंट करना मेरे यूट्यूब चैनल पे कि बनाओ कि ना बनाओ मैं भी व्लॉग, ठीक है? अभी सामने देखो, सामने का नजारा देखो गाइस, सामने का नजारा देख के एंजॉय करो। ये देखो,
बहुत प्यारा है यार ये, पता है ये? अरे ये मेरे इधर आता है क्या वाला जगह? क्या फोटो लूं क्या? बहुत बहुत अच्छी जगह भाई, बहुत अच्छी जगह है, मज़ेदार। अभी ये जो पूरा लोकेशन है मेरा पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे ना आपको सीधा जाना पड़ेगा कैनेरी गेट्स के लिए, और धूप काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अभी आ रहे हो तो मेरी मानना बारिश के सीज़न में आना, बिकॉज़ बारिश के टाइम ना आपको थोड़ा सा माहौल अच्छा मिलेगा, गर्मी ज़्यादा नहीं होगी। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, गर्मी बहुत प्यारा माहौल है। क्या हुआ? स्टंट करेगा? इंश्योरेंस है तेरा? ओ इंश्योरेंस है? ए पागल है वाला, इसको मैं इसे ऐसे जादू नहीं बुलाता हूँ, इसके पीछे कुछ की रीजन है। देखो जब हुआ था तो कहीं गिर भी गया था क्या? फिर ऐसा सर में कहीं पे लगा भी गया क्या? आ गए भाई ये लोग, चलो चलते हैं, हम भी निकलते हैं। ओके सफ़र पूरा करना है, फटाफट निकलते हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रहा है। अभी हम लोग ना ये ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? सामान जो लेने ले, फेरी लेने के। और ये पूछ क्या कॉस्ट है इसका? वही सामान है। ये भी कितने का पीस है? ये भी दी 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 दी। ठीक है तो एक ही ले ले, एक ही ले ले, ये भी दे दो। हाँ एक ये दे दो, वाटरमेलन ले रहे, चना मसाला ले रहे हम लोग खाने के लिए, फिर हम खाएँगे। और अभी यहाँ से ना हमको सीधा वॉकिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि यहाँ पर ना मतलब एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से आपको साइकिल चला के नहीं चल के जाना पड़ेगा। ताला लाने पर ये आ गया हमारा चना मसाला, पैसा रखना पड़ेगा तेरे को। एक ही दे दो, एक और मांग लेने। मैं मुंबई में कहीं पर भी चले जाओगे ना इसको मत लेके जाना। शक्ल से इतना भोला दिखता है बट सबको स्टॉक करता है। भी पता नहीं कौन कहाँ क्या कर रहा है, सबका नाम पता करना है इसको। खाने पे ध्यान नहीं है भाई का, खाने पे ध्यान नहीं है, लेकिन स्टॉकिंग ज़रूर करना है। ओके अभी हमने ये लिया वाटरमेलन, ओके मैंने चना मसाला लिया, तू यही खा रहा हो ये चने? खा ले खा ले खा ले खा ले बेटा, सब खा ले तू, मैं भूखा रहता हूँ। ओके देख भाई दो खाया, देख इतना खाना है, खा भाई हम खा के बात करते हैं भाई, हम अभी खा के बात करते हैं। ओके भाई ये फालतू गिरी है, मतलब लिटरली फालतू गिरी है, अगर ये बोल देते ना कि आप साइकिल लेके जाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बट इनके हिसाब से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। गरम खून होता है वो, डायरेक्ट टर्न लेने की जगह सीधा पहाड़ में जाते हैं वो लोग, फेल दो सीधा गाड़ी बस वाले के डिवाइडर पे डायरेक्ट जाएगा पूरा इलाही में देखा रही। ये क्या कर रहे हैं चनेदार सिंह नाने, जादू की गांड जली हुई यार, कैसी है तू? एक आशीष भाई के पास जादू है, एक मेरे पास जादू है, आशीष चंचलानी और एक तू मेरा, वो उल्लासनगर का जादू है, तो दहीसर का जादू है, समझ गया भाई? पता तुमको मैं देखना फैक्ट बताता हूँ इसके रिलेटेड, अगर विंटर सीजन चल रहा है या रेनी सीजन चल रहा है, धूप नहीं आई ना तो ये एक अलग रूप में आ जाता है। ओके तो भी मुत्ता भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ये सुसु भी नहीं कर पाता, क्योंकि इवोल्यूशन होता ही नहीं इसके शरीर में कुछ। इतना सच नहीं बोले देखा देखा मैं बोल रहा हूँ, देखा खुद ही बोल दिया देखा। अरे यार बाहर अच्छा नहीं लगता रे, क्या करेगा? पर हाँ जब इमरजेंसी होता है तब करना पड़ता है।
तेरा इमरजेंसी भी होता है। अरे तू मारा ना। देखा ये इतना भयंकर इंसान है हमारे पास। अभी जिस जिसका गरम गरम खून है वो यहाँ पर चढ़ सकता है। ठीक है, बट मेरा तो नहीं है भाई। ये जादू चढ़ना इसके ऊपर। इसके ऊपर चढ़ना, तू बोलेगा ना जालू। जालू। भाई देख रहे हो कैसा है। हम तो ऐसे वक्त चोरी करेंगे गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओके जादू। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। पनीर के सागर और ये हाय ब्रो। अरे बंदर बहुत ज्यादा है गाइस, बंदर बहुत ज्यादा है। देख देख दो, ये देखो। हाय बंगी फोन लेके भाग गया ना, फिर हाय करके बैठी हो। जय श्री राम। देखो मत 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 मत। भाई अभी कुछ ऐसा सीन हो गया है कि टिकट्स निकालने थे हमको कैनरी गेट्स के और हमारे पास ना कैश नहीं है। ओके, तो अभी हम जुगाड़ लगा के जा रहे हैं अंदर कि ये टिकट निकाल के देंगे। भाई देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हट रहे जादू। तो ये जो भाई जा रहे हैं ना, ये हमारे ना टिकट्स निकालेंगे अभी कैनरी गेट्स के। अगर आप कैनरी गेट्स जा रहे हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैश लेकर आओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और ऑनलाइन बुकिंग ना भाई बाहर से ही कर लेना, अंदर आके मत करना। मतलब नेशनल पार्क के बाहर से ही कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इधर पे ना इंटरनेट इशू बहुत है और जिसका जियो रहेगा ना उसके लिए ही बेस्ट है, बाकी सबके लिए नहीं बना है। ये बात याद रखना। क्यूआर का फोटो चाहिए तो बहुत। मेरे को लगा था कि भाई प्लान कैंसिल हो जाएगा अंदर आने का, बट अभी ये देखो पूरा कैनरी गेट्स। क्या है इसे? अच्छा बनाया यार भाई। ये देख रहे हो पूरा कैनरी गेट्स है। ये कोई तो गेट है अंदर जा सकते। और ये अभी हम लोग इसमें जाएंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे। ओके, बनाया तो अच्छा है गाइस, हिस्टोरिकल प्लेस है तो मज़ेदार है। अंदर जा रहे हैं। वैसे मैं ये शूट अभी आईफोन से कर रहा हूँ बिकॉज मेरा फ़ोन बहुत हीट हो गया है, दैट्स वाई। और उसमें अभी मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो गया है इसकी वजह से। देख रहे हो ये अभी अंदर आ गए। और इसके अंदर का ना सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ, कोई भी मतलब सीज़न रहेगा ना तो आपको ना मतलब इसमें ना अंदर ठंडा ही लगेगा, मतलब गर्म नहीं लगेगा। ये अंदर ये पूरा है, इट्स गुड। यहाँ पर भी कुछ तो है, अंधेरा है पूरा, बट मस्त जगह है भाई। ये तो भाई वो हवेली का एक देर है। नेक्स्ट बाजू में जाएंगे, उधर पे भी देखते हैं क्या है। वैसे यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, बट अगर अंदर अगर अभी आप अंदर जाओगे ना तो अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा देखने के लिए। बट अगर आप किसी भी सीज़न में आते हो, बारिश में, ठंडी में, गर्मी में, तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा गाइस। अभी हम बच्चे लोग के साथ जा रहे हैं ऊपर। ये देखो गाइस, ये यहाँ का कुछ तो है, मतलब मुझे पता नहीं क्या ये, बट भाई मानना पड़ेगा यार अपने, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ इन्होंने बनाया है। कैसा पत्थर में वो लोग ने किया है, बनाया है भाई इन्होंने, स्कल्पचर्स का बनाया है। मंदिर की
भैया क्या बोल रही है, बहन बोल, दोस्त बोल, फिर आऊंगा। दोस्त बोलेगी तब मैं उसको बचाऊंगा। अरे जाओ, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जाओ। नहीं वो सब खाली है, चलते हैं। हाँ यार, नहीं नहीं नीचे चलते हैं, आगे आगे चलते, हुआ घूम के आते फिर नीचे जाते ना। भाई देख रहे हो हम कहाँ तक आ गए, ये देखो मुंबई के बाहर आ चुके हैं ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है मुंबई के बाहर आ गए। हम उतरेंगे, भाई बारिश के टाइम ना ये सब कुछ स्लिपरी स्लिपरी हो जाएगा, तो ध्यान से आना। अभी और आगे जा रहे हैं हम लोग, इधर भी इधर जाना है कि उधर, अभी हम इस पर जाएंगे, ये जगह पे, ये पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। ओके सो लेट्स गो। बारिश के टाइम में पूरा भरा होता है, पूरा का पूरा, मैंने अपने दोस्तों के फोटोज़ में देखा है। अभी अंदर बैठने के लिए भी बनाया है वैसे, बट बैठने के लिए ऑनेस्ट स्पीकिंग कि आओगे ना, पानी का बॉटल और कुछ चीज़ें तो अपने हिसाब से लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं। मेरे को ना कभी बंदरों से फटती है मेरी, ऐसे नहीं बट उनकी हरकतों से, देखो ना हरकत करने में नंबर वन है भाई ये लोग। अभी ये जो जगह है ना, ये भी कुछ तो है, मतलब एशियन टाइम का है, बट आप सोच सकते हो कितना अच्छा बनाया रहेगा कि इतना टाइम हो गया है बट स्टिल ये अभी तक गिरा नहीं है और अभी तक वैसा का वैसा ही है। ओके और काफ़ी अच्छा बनाया है इस चीज़ को। क्या हुआ, ऊपर जाने, ऊपर जाते चलना ऊपर। अभी वैसे तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं बिकॉज हमको भी देखना है कुछ है कि नहीं है, नहीं जाते ना यार, चल जा करते बोलना, तेरी भी फट रही है, फट तो मेरी भी रही है, ये स्ट्राइक की वजह से जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं जाता। पैसे दिए भाई, काली घोड़ी कोई है कि नहीं है, और भी है भाई। ये क्या है बे, फ्लैश मार, मस्त है भाई, क्या बनाया है ना, क्या मिल रहा है, मतलब हो रहा है कुछ इधर अंदर भाई, ये ना क्या है, ये बहुत मजेदार जगह है यार, फर्स्ट टाइम आके भी मजेदार लग रही है। ये पूरा खाली है, ठंड है बहुत यहाँ पर, कोई तो रहता होगा। ये पूरा आई थिंक घर है किसी का, ये पता नहीं प्रॉपरली बट है ऐसे। अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, इधर सामने, ओके इधर जाएंगे हम लोग। भाई बंदर को देखो यार, अरे मत करना, ठंडू लाल लाल टमाटर वाले। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसके हिसाब से ना पैसा दिया ना तो पूरा वसूल होगा, गुजराती है ना इसके लिए, ये गांडू गुजराती है तो क्या वसूल होगा, देख नहीं सकते क्या, बात तो सही है। जा
आ रहा है ऊपर। इधर नेटवर्क मिल रहा है, 4 घंटे मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, मैं अभी हम लोग ना अभी रुक गए बिकॉज कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं और गर्मी तो भाई उफ बहुत ज़्यादा है, हालत खराब हो गई है। इधर से ऐसे ऊपर जाना है? इधर से ना अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर आएंगे नीचे, फिर पीछे जो हम लोग ऊपर जाने का सोच रहे थे उधर जाएंगे। इलू इलू तेरे को प्यार हो रहा है ऊपर भाई, ऊपर देखो प्यार हो रहा है। वो साले वो निकाल रहा है, वो बाल में कैसे जो होता है। बहुत घूम लिया अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं अभी यहाँ से, और मज़ा तो काफ़ी अच्छा आया। बहुत टाइम बाद आए थे, देख के अच्छा लगा। तो कुछ ऐसा हाल है, बाकी तो सब मतलब घूम लिया हम लोग ने जितना घूमना था। ओके, बाकी अगर आपको आना रहेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ लिख के दे दूँगा, कैसा कैसा क्या है, कितना फीस लगता है, कितना ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सब कुछ मैं आपको नीचे लिख के दे दूँगा, आप उसके हिसाब से आ सकते हैं। सो गाइस, अभी हम निकल गए हैं अनिल केव से बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब धूप हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, कुछ खाए भी नहीं थे सही से हम लोग ने, तो हम निकल गए। अभी हम अपनी साइकिल लेके सीधा बाहर जाएंगे, उधर पे कुछ खाएंगे और उसके बाद सीधा घर पे जाएंगे। सुबह से कुछ सीरियसली हमने नहीं खाया, सिर्फ वो जो हम नेशनल पार्क में आते, वो जो चना और हमने वो वाटरमेलन खाया था, दैट्स इट, बाकी हमने कुछ नहीं खाया है। बाकी तो मज़ेदार था भाई पूरा सफ़र, काफ़ी मज़ा था। पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो, इधर पहुँच रहे हो तो नींबू पानी मत पीना। क्यों मत पीना? वो वाला अच्छा ना, मतलब टेस्टी नहीं, खाली पेट पिएगा तो ऐसा ही लगता है। नहीं यार, वो पानी सिर्फ पानी था भाई, अभी हमने साइकिल ले लिया है। ओके, तो साइकिल का भी एक यहाँ पे पार्किंग है, तो उसके बाद ही आप यहाँ से निकल सकते हो, ऊपर जाने के लिए साइकिल नहीं है। तो अभी हमने चैलेंज ये लिया है कि हम ना वन शॉट में जाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं कुछ नहीं करेंगे, वन शॉट में हम डायरेक्ट बाहर जाएंगे। तो अगर मैं कहीं पे रुकूंगा तो मैं आप सभी को मैसेज करूंगा, और अगर मैं नहीं रुकूंगा तो मैं सीधा बाहर जाऊंगा। ओके, तो अभी मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। सो लेट्स गो। गाइस, वन शॉट में हमने पूरा क्लियर कर दिया। कैसा आया, मजा आया? एक नंबर भाई, मजा है बिना रुके नॉनस्टॉप भाई, नंबर मजा आया। अपना मेरा मन हो गया कि मैं साइकिल लूंगा यार। क्यों? हम ना कहीं आने जाने के लिए एक्टिवा नहीं है, साइकिल ले लेंगे, कुछ टाइम किलो चलाएंगे, फिर उसके एक्टिवा ले लेंगे। तो साइकिल बेचेगा फिर? बेच देंगे किसी को भी। मज़ा बहुत आया। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। ओके, चलो भाई कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है मेरे को, लेट्स गो। ये रहा हमारा सेवपुरी, ये रहा हमारा सेवपुरी, अभी इसको हम ठूसते हैं फटाफट। खाका मेरे को मन नहीं का खाका भाई। ये हमारा दही पूरी, इसको भी हम अभी खाएंगे, साफ करेंगे जैसे हमने इसको किया। तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ पूरे व्लॉग में आपको सबसे मज़ेदार चीज़ क्या लगी। चल भाई, साइकिल का गट 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 बाय गाइस।